लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने में चंद ही दिन बचे हैं, पर अब तक बिहार के दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन का पेच सुलझ नहीं पाया। राज्य में 40 सीटें हैं और इनमें से 17 सीटें पिछले चुनाव में एनडीए के तहत बीजेपी, जेडीयू और 6 लोजपा को दी गई। इस बार एनडीए में पिछले साल से ज्यादा दल जुड़ गए हैं, ऐसे में इस बार सीट बंटवारे की क्या कसौटी होगी, इस पर अभी मंथन जारी है। एनडीए में बीजेपी प्रमुख दल है, जिसमें कई उम्रदराज दिग्गजों के टिकट कटने का भी खतरा है। वहीं कौन नए चेहरे सामने आएंगे, इस पर निर्णय होना अभी बाकी है। प्रत्याशियों को लेकर भाजपा की 8 मार्च को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि इसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय हो सकेगा। इधर यही हाल इंडिया गठबंधन के घटक दलों का है। इस गठबंधन में आरजेडी प्रमुख दल है, इसमें कांग्रेस और तीनों वाम दल भी शामिल है। इनके बीच भी सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ। सबके अलग अलग दावे हैं, पर साझा कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल बिहार में एनडीए का स्वरूप हाल ही में बदला है। इसके पहले तक बीजेपी के साथ लोजपा आर, रालोजपा, रालोमो और हम भी थी। राज्य में बदले राजनीतिक स्वरूप में अब एनडीए में फिर से जेडीयू आ गया। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पूर्व में बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया, उस पर नए सिरे से शीर्ष नेताओं का मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बार जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। जेडीयू का एनडीए का हिस्सा बनने के पहले जहां भाजपा 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, उस पर विराम लग गया। वहीं मौजूदा सांसदों में से आधे से अधिक की टिकट काटे जाने की चर्चा है। मंगलवार को बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने हरेक पर्यवेक्षक से एक एक कर बात की। हरेक लोकसभा क्षेत्र के लिए मनोनीत पर्यवेक्षकों ने 5-6 संभावित नाम सौंपे। इन्हीं नामों में से पार्टी 3-3 उम्मीदवारों का चयन करेगी। इन नामों की लिस्ट चुनाव समिति को दी जाएगी। वहीं बिहार के महागठबंधन में भी उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो सका है। घटक दलों में लोकसभा चुनाव में टिकट पाने को कोई विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दौड़ में है। इस बार आरजेडी युवा चेहरों को आगे करने का प्रयासरत है। शीर्ष नेता युवाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। आरजेडी करीब 20 और कांग्रेस 12 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकता है। अन्य सीटें वाम दलों के खाते में जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।